उषा खान। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। कैनेडियन हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर डट गए, ग्रेग फर्गस का इस्तीफा देने से इनकार, दो अपोजिशन जमातों का इस्तीफा देने का मुतालबा। कनाडा में बर्फबारी के बायस निजामे जिंदगी मफलूज, कोबैक में बर्फानी तूफान, 30 सेंटीमीटर बर्फबारी रिकॉर्ड, तकरीबन 1,00,000 घर बिजली से महरूम हो गए। कनाडा में जिंसी ज्यादती में दुगना इजाफा, मुसल्ला फौज के 3.5% अहलकार 2022 में जिंसी ज्यादती का निशाना बने। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का कहना है कि फौज में जिंसी ज्यादती के खिलाफ काम जारी रखने की जरूरत है। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन का एटम हाउस का दौरा, पुतिन का कहना था कि रूस पर हमले का सोचने वाले को सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। रूसी सदर सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। हेडलाइंस आपने जानी और अब शामिल करेंगे खबरों की तफसील। Laundry is no longer a hassle. Just toss an EcoFresh detergent strip into the washer for a convenient, eco-friendly yet powerful wash. Hypoallergenic, safe for sensitive skin. Say no to bulky plastic jugs and bottles. No more measuring and spilling. Just one strip for a load. Simple and squeaky clean. Plastic-free, biodegradable packaging. Organic, paraben, phosphate, dioxane, and cruelty-free. Order now at www.ecofreshcanada.ca or at Amazon. क्या आप कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप लेना चाहते हैं या कनाडा में स्टडी करना चाहते हैं? लाइटो इमिग्रेशन न सिर्फ आपको कनाडा की इमिग्रेशन और सिटीजनशिप दिलवाने में आपकी मदद कर सकते हैं, बल्कि आपको कनाडा में सेटल और इन्वेस्ट करने के रास्ते भी सुझा सकते हैं। लाइटो इमिग्रेशन इज ए रेगुलेटेड कैनेडियन इमिग्रेशन कंसल्टेंट। वी डील इन स्टडी, वर्क, पीएनपी एंड पीआर वीजास, गेट स्टार्टअप वीजास, वर्क परमिट and business visas. We rise by lifting others. Lighto Immigration. कनाडा के ऐवान के स्पीकर ग्रेग फर्गस का कहना है कि वो मुस्ताफी होने का इरादा नहीं रखते, इसके बावजूद कि दो अपोजिशन जमातों ने उनसे इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। कनाडा के ऐवान के स्पीकर ग्रेग फर्गस का कहना है कि वो मुस्ताफी होने का इरादा नहीं रखते, इसके बावजूद कि दो अपोजिशन जमातों ने उनसे इस्तीफा देने का मुतालबा किया है। कंजर्वेटिव और ब्लॉक क्यूबेको दोनों का कहना है कि वो चाहते हैं कि फर्गस गुज़िश्ता हफ्ते के आखिर में ओंटेरियो लिबरल लीडरशिप कन्वेंशन में दिखाई गई एक वीडियो में नजर आने पर मुस्ताफी हो जाएं। वीडियो में फर्गस ने ओंटेरियो के साबिक लिबरल अबूरी रहनुमा जॉन फ्रेजर को खराज तहसीन पेश किया। ये वीडियो स्पीकर के दफ्तर में रिकॉर्ड की गई जब फर्गस अपने स्पीकर के लिबास पहने हुए थे। एमपीज ने एक तहरीक के अल्फाज पर बहस करने में वक्त का एक हिस्सा सर्व किया जो इस मामले को कमेटी को भेजेगा। ये तहरीक खुद मंजूर होने का इम्कान है क्योंकि चार बड़ी जमातों ने कहा है कि वो इस ख्याल की हिमायत करते हैं। फर्गस ने कहा कि वो इस अमल को चलाने की इजाज़त देने का इरादा रखता है। फर्गस का कहना है कि एक अमल है जो ऐवान ने तय किया है और हम उस अमल की पैरवी करेंगे। कंजर्वेटिव हाउस लीडर एंड्रू शियर, जिन्होंने तहरीक पेश की, मंगल को दोबारा कहा कि उनकी पार्टी समझती है कि फर्गस को इस्तीफा देने की ज़रूरत है। हमने अपनी पोजीशन बिल्कुल वाज़े कर दी है। इस वक्त मैं नहीं देख रहा हूं कि स्पीकर कैसे कायम रह सकते हैं। शेयर ने कहा, जब तक वो अपना फैसला खुद नहीं करता, हमें मौजूदा टूल्स को इस्तेमाल करना होगा जो हमारे लिए मौजूद हैं। गवर्नमेंट हाउस की लीडर क्रीना गोल्ड ने कहा कि उन्हें फर्गस पर एतमाद है। तहरीक पेश किए जाने के बाद गोल्ड के दफ्तर के एक तर्जुमान ने बाद में कहा कि हुकूमत कमेटी में जेर मुताला मसले की हिमायत करती है। मेंबरान पार्लियामेंट इस तहरीक में मुजवजा कंजर्वेटिव तरमीम पर वोट डालेंगे जो दिसंबर के वक्त तक कमेटी की रिपोर्ट को वापस देखेगी। इस वोट के बाद वो अहम मसले पर बहस जारी रखेंगे। ये वाजे नहीं है कि इसमें कितना वक्त लगेगा। कनाडा का सूबा कोबैक शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में है, जहां अब तक 30 सेंटीमीटर बर्फ पड़ चुकी है। सूबा कोबैक में शदीद बर्फानी तूफान के बायस निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। मजीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कनाडा का सूबा कोबैक शदीद बर्फानी तूफान की लपेट में है, जहाँ अब तक 30 सेंटीमीटर बर्फ पड़ चुकी है। सूबा कोबैक में शदीद बर्फानी तूफान के बायस निजाम जिंदगी मफलूज होकर रह गया है। एनवायरमेंट कनाडा की जानिब से कहा गया है कि तेजी से जमा होने वाली बर्फ सफर को मुश्किल बना देगी। शहरी इलाकों में रश के औकात में ट्रैफिक पर नुमाया असर पड़ सकता है।
भारी बर्फबारी जमा होने से दरख्तों की शाखें टूट सकती हैं। मुश्किल मौसमी हालात की वजह से सड़क पर और आसमान में मुश्किल सफर करना पड़ा। क्यूबेक की सूबाई पुलिस ने ड्राइवर्स पर जोर दिया कि वो अपनी कारें साफ करें, महफूज फासला रखें और रफ्तार कम करें। मॉन्ट्रियल की ट्रांजिट अथॉरिटी ने कहा कि बसेस के लिए ट्रैफिक सुस्त था। मॉन्ट्रियल और क्यूबेक सिटी के हवाई अड्डों पर भी कई परवाजें ताखीर का शिकार हुई या मनसूख हुई। इस सूबे में तमाम स्कूल बंद कर दिए गए हैं और तकरीबन 1,00,000 घर बिजली से महरूम हो गए। बर्फबारी से मॉन्ट्रियल शहर सबसे ज्यादा मुतासर हुआ है। मॉन्ट्रियल एयरपोर्ट पर बेशतर फ्लाइट्स मनसूख या ताखीर का शिकार हुई। शुमारियात कनाडा की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 और 2022 के दरमियान फौज के किसी दूसरे रुकन के जरिए जिंसी ज्यादती का निशाना बनने वाले फौजी अरकान की तादाद दुगनी से भी ज्यादा हो गई है। मजीद जानेंगे इस रिपोर्ट में। शुमारियात कनाडा की एक नई रिपोर्ट में कहा गया है कि 2018 और 2022 के दरमियान फौज के किसी दूसरे रुकन के जरिए जिंसी ज्यादती का निशाना बनने वाले फौजी अरकान की तादाद दुगनी से भी ज्यादा हो गई। रिपोर्ट में कहा गया कि कनाडा की मुसल्ह फौज के 3.5% अहलकारों ने कहा कि 2022 में उनके साथ एक फौजी रुकन ने जिंसी ज्यादती की थी। उसी साल सफों में जिंसी बदतमीजी के बड़े पैमाने पर दावों के जवाब में फौज ने वादा किया था कि इस्तेहाद जारी है। 2022 का आदाद व शुमार 2018 में उसी सर्वे के 1.6% और 2016 में रिपोर्ट करदा 1.7% के मुकाबले में नुमाया इजाफा है। फौज की पेशावराना तर्ज अमल और सकाफत की सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल जैनी ग्रिंडन ने कहा कि ये एक परेशान कन रुझान है। मैं बहुत फिक्रमंद हूँ। मैं भी यकीनी तौर पर बहुत कायल हूँ कि इस काम को जारी रखने की ज़रूरत है और हमें दू सर्वे में ऐसे इशारे भी नज़र आते हैं जो इस बात की निशानदेही करते हैं कि हम सही रास्ते पर हैं। मिसाल के तौर पर अब मदाखलत करने वालों और हकीकत में कार्रवाई करने वालों की तादाद में इजाफा हुआ है। शुमारियात कनाडा के सर्वे में ये भी पता चला कि 33% जवाब दहिंदगान जो पिछले 12 महीनों में जिंसी हमले का शिकार हुए थे, उनका ख्याल था कि मुजरिम का अल्कोहल या मंशियात का इस्तेमाल इस हमले में एक अहम अंसर था। तकरीबन तमाम जवाब दहिंदगान 96% ने खास तौर पर कहा कि शराब शामिल थी। ज्यादातर मुसल्ला फौज के अरकान जिन्होंने कहा कि उन्होंने इन हमलों का तजर्बा किया है, उन्होंने ये भी कहा कि हुक्काम को उनकी इतला नहीं दी बहुत से मामलों में, क्योंकि वो नहीं सोचते थे कि इससे कोई फर्क पड़ेगा। शुमारियात कनाडा का कहना है कि मुसल्ला फौज के एक तहाई बाकायदा अरकान ने सर्वे मुकम्मल किया और नतज को बाकायदा फौज की पूरी आबादी की नुमाइंदगी करने के लिए वजन दिया गया। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल वैन आयर ने कहा कि रिपोर्ट से पता चलता है कि फौज को अभी काम करना है। उन्होंने निशानदेही की कि सर्वे में बताया गया है कि 75% जवाब दहिंदगान ने इस बात पर इत्तेफाक किया कि जब से उनकी शमूलियत से जिंसी बदसलूकी पर फौजी कल्चर में बेहतरी आई है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जो भी रूस पर हमले का सोचेगा उसे सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। मजीद तफसीलात इस रिपोर्ट में। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने कहा है कि जो भी रूस पर हमले का सोचेगा उसे सफा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने एटम हाउस का दौरा किया जहां उन्होंने एटम बम बटन का मुआयना किया। रूसी सदर ने दीगर जौहरी हथियारों का भी मुआयना किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए उन्होंने वाजे कर दिया कि जो भी रूस पर हमले का सोचेगा उसको सफाए हस्ती से मिटा दिया जाएगा। दूसरी जानिब रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन कल से सऊदी अरब और मुतहदा अरब अमारात का दौरा करेंगे। क्रेमलिन से जारी अलामिया के मुताबिक एक रोज के दौरे में रूसी सदर पहले मुतहदा अरब अमारात फिर सऊदी अरब जाएंगे। अरब मीडिया के मुताबिक रूसी सदर पुतिन अबू जहबी में अमारात के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मिलेंगे। अरब मीडिया का मजीद कहना है कि रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन रियाज में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। रूसी सदर इसराइल हमास जंग तेल की पैदावार और दीगर इलाकाई उमूर पर बात करेंगे। टैक टीवी के पाकिस्तानी स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए टैक टीवी।